बहुत बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं कि आपकी पार्टी में ज्वाइन करने से एक नया उत्साह युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो पार्टी कहीं ना कहीं सड़क से लेके हर जगह एक्टिव नजर आ रही है और महिलाएं जुड़ती जा रही है, क्या कहेंगी? बहुत सही बात है। मुझे लगता है शिवसेना की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से ही उसके शिवसैनिक, उसके रणरागिनियां, जो लोग उनके लिए काम करते हैं, जुड़े हुए हैं बरसों से, कई मतलब जैसे पीढ़ियों से शिवसेना से जुड़े हुए हैं, हमेशा से वही रही है। तो मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने आप को बहुत नम्रता से कहना चाहूँगी उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया है और अपने में से एक समझा है। युवा ताकत जहाँ होती है कहते हैं कि सत्ता उसी की तरफ जाती है, आप युवाओं में जोश भर रही है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। ठीक एक साल बाद, ये जनवरी फरवरी, एक साल बाद मुंबई महानगर पालिका चुनाव है, इस पूरे एक साल में हम आपकी भूमिका किस तरह से देख रहे हैं? मुंबई महानगर पालिका के लिए मेरी अलग से भूमिका दरअसल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका हमेशा से ही शिवसेना की रही है और हमेशा से के लिए ही शिवसेना की रहेगी। इसका सिंपल वजह यह है क्योंकि जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है, जहाँ पे भी कोई अन्याय दिखता है, वहाँ सबसे पहले शिवसैनिक पहुँचते हैं, रणरागिनियाँ पहुँचती हैं, लोगों के लिए अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं, और यही हमेशा उसकी उनकी सोच रही है, और इसकी वजह से लोगों ने उन्हें हमेशा अपने दिल पे और महानगर पालिका में जगह दी है। मेरी एक खुशकिस्मती होगी अगर इसमें मैं अपना कुछ योगदान दे पाई इसके इस वजह से, क्योंकि मुझे हमेशा मराठी लोगों ने अपने दिल में एक छोटी सी ही सही प्यार की जगह दी है, इज्जत दी है, और वो मैं चाहती हूँ उनके साथ साथ उनके बीच रह के और बढ़ाऊँ अपने पक्ष के लिए और अपने महाराष्ट्र के लिए। एक मुद्दा पिछले 2-2.5 महीने से बहुत तेजी से चल रहा है, किसान आंदोलन का। कल और परसों आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज से लेकर जो भारत के नामी लोग हैं उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रिहाना हो गई, मिया खलीफा, ग्रेटा, अलग अलग लोगों ने अपनी राय रखी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने। भारत के सेलिब्रिटीज ने भी उस पर कहा कि इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, कुछ लोगों ने ट्वीट किया। आप इसे किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आप भी समाज की राजनीति में हैं? मुझे लगता है समाज का हित एक के लिए एक और एक के लिए एक ऐसा अलग अलग नहीं हो सकता, और जिस देश का किसान खुश नहीं है वो देश कभी खुश नहीं रह सकता। अगर वो देश भारत जैसा कृषि प्रधान देश हो, जिसकी जिसका नारा हमेशा से जय जवान जय किसान हो, वो देश तो बिल्कुल नहीं रह सकता। हमारे किसान हमारे मान सम्मान है, हमारे देश की नींव है, तो हर एक भारतीय का कर्तव्य है कहीं ना कहीं कि उनके साथ खड़ा रहे और उनके मांगों में उनका साथ दे। तो मैं वही कर रही हूँ, बाकी किसी के राय पे मैं टिप्पणी नहीं देना सही समझती, हर कोई अपने सोच से चलता है, लेकिन मैं ऊपर वाले से आज के दिन बस यही प्रार्थना करूँगी कि इस सब का हल जल्द से जल्द निकले। और जैसे आपने देखा कि हमारे नेता संजय राउत जी भी पहुँचे उद्धव जी ठाकरे जी की शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस किसानों के लिए लेकर पहुँचे हैं, तो हम सब उनके साथ हैं और बस ऊपर वाले से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका हल निकले। जी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मुगलों की सरकार है, मुगलों की तरह शासनकाल कर रही है, बिजली कटौती की बात हो या अन्य विषय पर हो। मुझे लगता है कि जो पूना में जिस विषय में उन्होंने मुगल राज का वर्ड यूज़ किया, वो जो शारजिल नाम के जो जिस शख्स ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो काफ़ी दुर्दैवी था, गलत था। किसी भी धर्म के ऊपर जब आप भाष्य करते हैं तो आपकी भाषा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, भाषा वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि विरोधी नेता जब मुगल राज जैसे दुर्दैवी और दुर्भाग्यवश भाषा हमारे महाराष्ट्र शासन के लिए यूज़ करते हैं, तब उन्होंने अपने ये भी सोचना चाहिए कि कई और मुद्दों पर उनके क्या राय है। मसलन के तौर पर जो केंद्र में आज हो रहा है, 60 दिनों से ज़्यादा जिस तरह किसान ठंड में मरकर अपनी राय रख रहे हैं, उनके लिए बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, कीले लगाई जा रही हैं, उसके बारे में फिर उनके बारे में क्या राय है? या तो फिर एक इंसान जो सारे देश की सिक्योरिटी को दांव पे लगाकर ये दिखाता है कि उसके पास तो सारी देश की सिक्योरिटी के खुफिया राज पहले से थे, कहाँ से क्या ये सब बोलता है, उसके ऊपर क्या राय है? मुझे लगता है अगर इस तरह की भाषा सिर्फ अपने शासन के लिए, महाराष्ट्र शासन के लिए रखे और केंद्र शासन के लिए, तब तो फिर उनके पास कोई शब्द ही नहीं रहेंगे। तो उन्होंने सोच कर अपने, भाषा बहुत महत्वपूर्ण रहती है, उन्होंने सोच के अपनी भाषा हमेशा यूज़ करनी चाहिए, इस तरह के गलत वर्ड का इस्तेमाल शोभा नहीं देता।
खूप खूप धन्यवाद देऊ इच्छिते आमच्या गीताताईंना, आनंदजींना आणि सगळ्याच आमच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि युवा सेनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना आणि सर्वांनाच, की त्यांनी खूप मेहनत करून आज इकडे माझ्याकरता इतका सुंदर गोड कार्यक्रम ठेवला, जिथे आम्ही अनेक गरजू महिला आणि अनेक गरीब मुलांना खाऊ वाटप आणि इतर गरजेच्या वस्तू दिल्या. कारण खूप मजा आली या सगळ्यांमध्ये आज यायला, कारण कोविडचा काळ आपल्याकरता महाराष्ट्राकरता फार कठीण वेळ गेला आणि त्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावरती आम्ही सगळे हसू आणू शकलो ह्याच्यापेक्षा जास्त सुंदर काहीच असू शकत नाही. मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करते की येणारं वर्ष महाराष्ट्राकरता आरोग्याचं आणि सुखसमृद्धीचं जावं एवढंच. पण आपण शिवसेनेत आल्यानंतर एक युवा जोश आणि महिला जोश खूप आपल्याला पाहायला मिळतो, युवा शक्ती जागृत झाली. मला अतिशय आनंद आहे की शिवसेनेची जी सगळ्यात मोठी शक्ती आहे ती म्हणजे शिवसेनेचे शिवसैनिक आणि रणरागिणी ह्या आहेत आणि त्यांचा जो फोर्स आहे या पक्षाच्या मागे नेहमीच त्यांचे, म्हणजे मी काय माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे सुद्धा नेहमी म्हणायचे की तुम्ही आहात म्हणून मी आहे. त्यामुळे आज ज्या शिवसेनेमध्ये लोकांनी पिढ्यानुपुढे आपले आयुष्य दिली आणि आपल्या लोकांच्या मदतीकरता नेहमी ते पुढे धावले असे लोक माझ्या पाठीशयाचा मला खूप अभिमान आहे आणि माझा नेहमी हा प्रयत्न राहील की त्यांना बरोबर घेऊन महाराष्ट्राकरता आम्ही सगळेच एका विकासाच्या आणि अत्यंत बौद्धिकदृष्ट्या सुद्धा विकासाच्या रस्त्यावरती नेहमीच ही वाटचाल कायम ठेवू. फार्मर प्रोटेस्ट जसं सुरू आहे ते काही इंटरनॅशनल सेलिब्रिटीजनीही ट्विट केलं आहे, आपल्या पाठिंबा दिला आहे, काय म्हणलं? मुळातच काय आहे, शेतकरी आपल्या जो देशाचा आहे तो आपल्या देशाचा कणा आहे आणि जर शेतकरीच खुश नाही आहे जर त्यांच्याकरता जे कायदे आणले गेले तर ह्याच्यावरती विचार तर केला गेलाच पाहिजे. 60 कितीतरी दिवस झाले, 50-60 लोकांचे जीवही गेले, तर ते लोक जे एवढ्या भयानक कडाक्याच्या थंडीत बसले आहेत त्यांना अशा प्रकारे खालिस्तानी देशद्रोही वगैरे भयानक विटंबनेची नावं त्यांना देऊन त्यांचा अपमान करून ज्या सगळ्या त्या एका समाजाने किसानांच्या म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आपल्या सगळ्या देशाला एवढं दिलं त्यांना माझ्या मते आपण ह्याच्यापेक्षा जास्त चांगली वागणूक देऊ शकतो, त्यांची मागण्या समजू शकतो आणि देवाकडे एवढंच माझी प्रार्थना आहे की त्याच्यावर लवकरात लवकर काही तो समस्या त्यांच्यावरती काही तो उपाय निघावा. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला देवेंद्र फडणवीस म्हणता हा मुघलाई सरकार आहे. मुळातच काय असतं, शब्द जे असतात माणसाचे ते फार जपून वापरावे लागतात. त्यामुळे मला असं वाटतं की शार्जिल नावाचे इस्माने जे काही पुण्यामध्ये शब्द वापरले हिंदू धर्माबाबत ते अतिशय चुकीचे आणि दुर्दैवपूर्ण होते आणि त्याच्यावरती पोलीस तपासणी जरूर व्हायला पाहिजे. पण त्याचबरोबर मी अत्यंत नम्रतेने हेही सांगू इच्छिते की मुघल राज वगैरे अशी वाक्य आणि शब्द फक्त महाराष्ट्र शासनाकरताच जपून ठेवले आहेत का असा कुठेतरी प्रश्न येतो मनामध्ये. कारण असं वाटतं की जर असे शब्द इथे वापरले तर केंद्र सरकारच्या भूमिकेकडे काय शब्द वापरणार, कारण आज एवढे शेतकरी तिथे बसलेले आहेत, एवढं भयानक आंदोलन चालू आहे शेतकऱ्यांचे, लोकांचे जीव गेलेले आहेत, त्याच्यावरती पण काही शब्द बोलायला पाहिजेत. एका संपादकाच्या वागणुकीने तमाम देशाची सुरक्षितता जेव्हा भयंकर प्रॉब्लेममध्ये येते त्या संपादकांवरती काय मत आहे, त्या संपादकावरती जेव्हा देशाचे मोठे मोठे नेते फ्रीडम ऑफ स्पीचच्या नावावर ट्विट करतात तेव्हा आज त्यांचं काय म्हणणं आहे, तिथे शब्द जास्त महत्त्वपूर्ण आहे. फक्त महाराष्ट्र सरकारची हेटाळणी आणि नुसती त्यांच्यावरती हे करायला जर असे शब्द वापरले तर महाराष्ट्राची जनता खूप हुशार आहे, त्यांना समजेल शेवटी हे की हे फक्त महाराष्ट्र शासनाला गालून पाडून बोलण्याकरताच शब्द वापरले जाणार आहेत का. त्यामुळे आपल्या शासनाबद्दल जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा शब्द फार तेच शब्द जरा काळजीपूर्वक वापरावे असं माझं नम्र मत आहे. थँक्यू.